जींद जिला में लिंगानुपात में एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जींद जिला लिंगानुपात में छठे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उप सिविल सर्जन ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या ना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रोग्राम था, कुछ शक्ति भी हमने की, रेड की, लोगों को जागरूक करने का काम किया और जो फिटिसाइड का जो भ्रूण हत्या का काम करते थे उन पर नकेल कसने का काम किया। तो इस तरह से हमारा बढ़ के सेक्स रेशो में काफ़ी सुधार हुआ। जो हमारा 2020 में सेक्स रेशो 904 आ गया था, हमारा 2021 में 923 सेक्स रेशो सैंपल आया, यानी कि 19 अंकों का उछाल हुआ। और अब जो जनवरी 2022 का हमारा सेक्स रेशो है वो 1097 है, जो कि पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पर है। गांव करेला की पूर्व सरपंच ने जिले की बेहतर लिंगानुपात होने पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा जिला पूरे प्रदेश में बेहतर लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। हमारा जिला दूसरे नंबर पर, हम पहले नंबर पर लेना चाहूँगा। यू बेटियों के उसमें संख्या कम थी, बराबर आना चाहूँगा, बेटियों को लोग ज्यादा चाहने लग गए। जींद में लिंगानुपात में हुए सुधार पर महिलाओं ने खुशी जताते हुए कहा कि इस उपलब्धि से लोगों में जागरूकता आएगी और इससे समाज में काफी सुधार होगा। कि बेटियां की संख्या बढ़गी तो हम बहुत खुश हुए हैं इस बात से। और जो भी ये हमारे बेटे थे सारे कुंवारे हैं, घर में एक एक बहू आ गई, चार चार बेटे कुंवारे हैं। लड़कियां हमारी बढ़ेंगी तो हमारे सब बेटों की शादी होगी और आगे जनसंख्या अच्छी बढ़ेगी। आज लिंगानुपात में हमारा जींद जो जिला है छठे नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे आया है, उसमें बहुत ही खुशी हुई है हमें। और आगे यही चाहते हैं कि हमारा जो जींद जिला है वो पहले नंबर पे आए। सभी माता पिता भाई बहन सबकी सोच बदली है। हमें बहुत अच्छा लगा कि एक नई विचारधारा थी जो उसको अमल में लाया गया है। जींद जिले का पहले जो है छठा नंबर था लिंगानुपात में, अब दूसरे नंबर पर आया, बहुत खुशी हुई। समाज में सुधार भी हुआ है, सरकार का सहयोग भी मिला है, क्योंकि बेटियों को पहले इतनी सुरक्षा नहीं मिलती थी।